Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics lecturer Furqan Ahmed Qureshi from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Students, आज के lecture के अंदर हम exercise 3.1 करेंगे. आपको मालूम है vectors chapter number 3 mathematics का हम start कर चुके हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो मैं आपको करवाऊंगा. उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा. बाकी उसके जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे, थ्योरेटिकल जो चीजें थी, वो मैं थ्योरी के लेक्चर में आप लोगों को समझा चुका हूँ. वो आप मेरा लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा स्टूडेंट्स. और मैं उम्मीद करता हूँ अब तक जितने भी लेक्चर हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे. और उसमें अगर फर्दर मोर कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आके हमसे बात कर सकते हैं. वहां पे हमारे प्रोफेशनल टीचर्स मौजूद हैं तमाम सब्जेक्ट्स के. आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं. कोई भी आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. बहुत ही कोऑपरेटिव टीचर्स की टीम है हमारे पास. विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल मूव टू अवर लेक्चर राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स. तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ. जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको कहा वेक्टर्स चैप्टर हम कर रहे हैं और उसके अंदर एक्सरसाइज 3.2 और उसका क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो मैं आपको करवाऊंगा. क्वेश्चन 1 जो है स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है, उसका पार्ट 2. लेट यू वेक्टर आई प्लस 2j प्लस के वी वेक्टर 3i माइनस 5i आयोटा माइनस 5j. इसी तरीके से w है, फाइंड v. राइट, तो फाइंड हमने क्या करना है, टू वेक्टर. तो हमने इसको वी वेक्टर माइनस टू यू वेक्टर फाइंड आउट करना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. तो मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूँ कैसे होगा. ये बहुत सिंपल है. क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से था स्टूडेंट्स. लाइक ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने अभी रेड मार्क किया है, इसको कुछ इस तरीके से भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं. मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज ये कंप्यूटराइज लिखा हुआ है, माइट भी पॉसिबल है इसमें आपको समझने में कंफ्यूजन हो रही हो. तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ पे लिख के आपको दोबारा से बताऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए. आप देखें, ये वी वेक्टर है माइनस 2 × u वेक्टर है. ये साइन अभी तक आपको मालूम होगा डियर स्टूडेंट्स के, ये वेक्टर को शो करवाता है. और ये डालना बहुत जरूरी है जब भी आप वेक्टर्स वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर ये डालना जरूरी होता है. तो वी वेक्टर माइनस 2 u वेक्टर इस तरीके से डलेगा. देन आप जो है सेकेंडली इज इक्वल का साइन डालेंगे. इक्वल के साइन के बाद जो है 3 iota. ये आयोटा को रिप्रेजेंट करता है. बार बार मैं आपको लेक्चर्स के अंदर कह रहा हूँ कि आप सीक्वेंस के अंदर मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो ही आप ये समझ पाएंगे. मेरे लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी अगर कोर्स करते हैं मैथमेटिक्स का या पढ़ते हैं तो आप शुरू से ही क्लासेस लेंगे या लेक्चर्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा. राइट नाउ हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, बट ये जो आयोटा की टर्म यूज हो रही है यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 1 विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहां पे यूज हो रही थी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको करते हैं. 3 iota के बाद जो है माइनस का 5j है. ऑलराइट, 5j माइनस 2 × iota प्लस 2j प्लस के. राइट स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो है मैं इज इक्वल का साइन डालूंगा यहाँ पे. इक्वल के साइन के बाद आयोटा माइनस 9j और 9j के माइनस 2k. आयोटा माइनस 9j माइनस 2k, यहाँ पे k आएगा, ये दिस वन इज k और ये है यूनिट वेक्टर है. ऑलराइट, ये यूनिट वेक्टर है, इस पे कैप भी होगी. आप कैप जो है वो डालिएगा लास्ट में. ऑलराइट, जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये आयोटा है तो इस पे आयोटा पे कैप है, यहाँ पे कैप, दिस वन इज कैप. ऑलराइट, जो मैंने आपको बताया था थ्योरी की क्लास में कैप डलेगी, तो आप इस पे कैप जो है वो लाजमी डाल लीजिएगा. आयोटा कैप इस तरीके से यूनिट वेक्टर को जो कि रिप्रेजेंट करता है. राइट स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे 9 और यहाँ पे जे है, जे इस तरीके से जे है और ये इस तरीके से यूनिट वेक्टर है. लाइक दिस वन के यूनिट वेक्टर है, इस तरह ऊपर भी आप डाल लीजिएगा. एनी हाउ, इन शॉर्ट समझाना मैं ये कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ आपको, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा. अब राइट नाउ जो है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्विजेस भी डिफरेंट दी हैं
और उसको आपने सॉल्व करना है, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसकी, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू -5 आयोटा प्लस 3j -4k देन फाइंड -2 ए वेक्टर। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी इसी तरीके से आप कैप्स जो है वो डाल लीजिएगा, लाइक जिस पे कैप आपको नजर नहीं आ रही, जैसे मैंने आपको बताया आयोटा के ऊपर जो है आयोटा जो है यूनिट वेक्टर कैप आएगी, 3j यूनिट वेक्टर -4k यूनिट वेक्टर देन फाइंड -2 ए वेक्टर। तो इस तरीके से इसको हम अब फाइंड आउट करेंगे, लाइक -2 इस तरीके से होगा यहाँ पे इनटू माइनस का 5 आयोटा प्लस 3 इनटू जे -4 के, एंड देन 4 के के बाद डियर स्टूडेंट्स ब्रैकेट क्लोज होगी यहाँ पे और इज इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल डाले, इज इक्वल टू 10 आयोटा, 10 आयोटा -6j प्लस 8k। इस पे यूनिट वेक्टर्स का जो साइन है वो लाजमी डियर स्टूडेंट्स आप डाल लीजिएगा, ऐसा मैंने आपको बताया है, और ये कुछ इस तरीके से होगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है स्टेप शुरू होने से पहले, मैथमेटिक्स का ये असूल है, और आप अगर ये नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आपके जो पेपर्स चेक कर रहे हैं वो इस चीज को जो है वो अच्छा ना समझे और आपका क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। ये लाजमी है, ये रूल्स और स्टेप्स आपको लाजमी फॉलो करने हैं, और अच्छे तरीके से आप इस तरह से क्वेश्चंस को परफॉर्म करें, और उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको जो है ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक आपने @VTutions यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब नहीं किया, और मैं यहाँ पे अपनी IT टीम का बहुत शुक्र गुजार हूँ जो हर वक्त हमें हमारे साथ कॉपरेट करते हैं। स्क्रीन पे आपको जस्ट हमारा फेस नजर आता है, लेकिन बैक एंड पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है IT टीम की, बिकॉज आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये लेक्चर्स आप देखते हैं, रिकॉर्ड होते हैं तमाम चीजें, इसमें बहुत मेहनत दरकार होती है, तो इसमें IT टीम का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसका जो है मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ उनका। वंस अगेन थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।